चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, मैं हूँ हैंस शाह, मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूँ। आप सबको लगा होगा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत एक सॉन्ग के साथ क्यों की। आपको बहुत जल्द ही पता चल जाएगा, आप सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। दोस्तों, आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट महीने मैं एक पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग वर्कशॉप कंडक्ट करने जा रहा हूँ। आप एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरे वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने एक डिमांड की थी कि हाउ टू डिलीवर अ फेयरवेल स्पीच। मुझे यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर, फेयरवेल स्पीच को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए ये वीडियो को अपलोड किया है और आप सब लोगों को आपके स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, कंपनी के अंदर, समाज के अंदर ये स्पीच हेल्पफुल हो सकती है। दोस्तों, सो लेट्स बिगिन 4 वंडरफुल स्टेप्स टू डिलीवर अ फेयरवेल स्पीच। दोस्तों, फेयरवेल स्पीच को देने के लिए मैं आपको जो 4 स्टेप बताने जा रहा हूं उसमें से पहला स्टेप है स्टार्ट विथ अ पोयम और अ सॉन्ग। आप अपनी फेयरवेल स्पीच की शुरुआत एक गाने के साथ कर सकते हैं। अगर आपका सुर अच्छा है तो ये गाना आपके लिए बहुत उपयोगी प्रूव हो सकता है। जब आप स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, कंपनी के अंदर या समाज के अंदर गाने के साथ अपनी ये फेयरवेल स्पीच की शुरुआत करते हैं, तब आपकी ऑडियंस को इसे सुनने में बहुत मजा आता है। आपकी ऑडियंस खुश भी हो जाती है क्योंकि हर एक व्यक्ति को गाना सुनना पसंद होता है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरी सुर अच्छी नहीं है, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, तो मैं गाना कैसे गा सकता हूँ। कोई बात नहीं दोस्तों, आप गाने के साथ इस स्पीच की शुरुआत नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आप एक पोयम के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप पोयम बताएंगे तो पोयम के अंदर अच्छा सुर होना जरूरी नहीं है। अगर आपका सुर मीडियम लेवल का भी होगा तो भी चलेगा जब आप पोयम को गा रहे होंगे, तो पोयम के साथ शुरुआत कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट विथ अ पोयम और अ सॉन्ग। सेकेंड स्टेप, रिफ्रेश द मेमोरीज। दोस्तों, रिसेंटली मेरे 2 क्लाइंट्स, एक मध्य प्रदेश से और हिमाचल प्रदेश से, उन्होंने मेरा कांटेक्ट किया था कि सर, हम एक फेयरवेल स्पीच को तैयार करना चाहते हैं और हम ये फेयरवेल स्पीच हमारी स्कूल के प्रिंसिपल के लिए देना चाहते हैं, तो हम इस स्पीच को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया था, उन्होंने मुझसे एडवाइस ली थी। सो वही एडवाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको स्कूल कॉलेज के अंदर अगर ये फेयरवेल स्पीच देनी है या फिर कंपनी के अंदर या समाज के अंदर भी फेयरवेल स्पीच देनी है, तो आप उनके साथ जो जो भी मेमोरीज आपने स्पेंड की है उन सारी मेमोरीज को रिफ्रेश कर सकते हैं। स्कूल या कॉलेज के अंदर आप सब लोगों ने साथ में पार्टी की हो सकती है, लंच लिया होता है, डिनर लिया होता है, साथ में एग्जामिनेशन पेपर्स चेक किए होते हैं, साथ में आपने स्टाफ रूम के अंदर भी बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड किया होता है, मीटिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट किया होता है, दूसरे सिटी के अंदर कोई स्कूल के वर्क के लिए साथ में गए हो सकते हैं, साथ में आप इतने समय तक रहे उसके कारण अच्छे दोस्त भी बन गए होते हैं, तो आपने उनके साथ जो जो भी अच्छी मेमोरीज स्पेंड की है उन मेमोरीज को आपको अपनी स्पीच के अंदर बताना है। उसी तरह से कंपनी के अंदर अगर आप अपने स्टाफ मेंबर के लिए कोई फेयरवेल स्पीच देना चाहते हैं तो उनके साथ आपने काम किया है तो काम करते समय आपको कैसा फील हुआ था, आपने साथ में कैसी कैसी चीजों को एंजॉय किया था, आप साथ में मूवी देखने के लिए गए थे, होटल के अंदर गए थे, कैफेटेरिया में समय बिताया था, कंपनी के अंदर खेले भी थे, तो ये सारी चीजें अपनी फेयरवेल स्पीच के अंदर मेमोरीज के तौर पर इंक्लूड कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी दूसरी टिप, रिफ्रेश द मेमोरीज। टिप नंबर थ्री इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि आपको उनके रोल के बारे में बताना है। टेल अबाउट द रोल ऑफ द पर्सन। उस व्यक्ति ने स्कूल, कॉलेज, समाज या कंपनी के अंदर जो जो भी अच्छे काम किए हैं उन कामों का जिक्र कीजिए। मैं आपको उदाहरण के साथ भी ये बताना चाहूंगा। स्कूल के अंदर समस्याएं होती है कि बच्चों को क्लीन वाटर नहीं मिल पाता है, अच्छा खाना नहीं मिल पाता है,
स्कूल के अंदर कंप्यूटर लैब में देखा जाए तो बहुत सारे कंप्यूटर्स बंद होते हैं, साइंस लैब के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, स्कूल है बहुत पुरानी हो गई होती है, क्लास के अंदर टीचिंग भी अच्छी नहीं हो रही होती है। तो उस वक्त इस व्यक्ति ने स्कूल के अंदर आकर या फिर कॉलेज के अंदर आकर कौन कौन से परिवर्तन किए, कैसे कैसे इन सारी प्रॉब्लम्स का समाधान किया, ये आप बता सकते हैं। आपको बताना है कि ये सारी चीज़ों को कैसे उन्होंने सॉल्व किया और जिसके कारण स्कूल के जो बच्चे हैं उनको कैसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब नए नए कंप्यूटर्स आ गए हैं, स्मार्ट क्लास आ गया है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी साइंस लैब के अंदर आ गए, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड बन गया है इंडोर गेम्स के लिए, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये सारी चीज़ें भी स्कूल के अंदर मौजूद है, स्पोर्ट्स के लिए भी इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप अपनी स्पीच के अंदर बता सकते हैं और इसके कारण स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, सबको क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं ये भी मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह कंपनी के अंदर किसी व्यक्ति ने अच्छा मैनेजमेंट किया है तो मैनेजमेंट के कारण एम्प्लॉयज़ को कौन से फ़ायदे हो रहे हैं, कंपनी है वो अच्छे प्रॉफिट के अंदर है, रेवेन्यू कंपनी का इंक्रीज़ हो रहा है, कस्टमर्स के साथ रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, सप्लायर के साथ अच्छी डीलिंग हो रही है, कस्टमर्स से बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं उसके कारण कंपनी का सेल बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें मेंशन कीजिए। समाज के लिए आप स्पीच दे रहे हैं तो समाज के अंदर बहुत सारे कैंप्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, अच्छी अच्छी सोशल एक्टिविटीज़ हो रही है, समाज के बच्चे जो है उनको आगे बढ़ाने के लिए स्टेज प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी तीसरी चीज़ कि टेल अबाउट द रोल ऑफ द पर्सन। एंड दोस्तों, फोर्थ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप इज कि जो भी व्यक्ति को हम फेयरवेल दे रहे हैं उसको हम बेस्ट विशेस देंगे। सो गिव बेस्ट विशेस। आप जिस व्यक्ति को फेयरवेल दे रहे हैं उनके लिए कह सकते हैं कि हमने आपके साथ इतना अच्छा समय पसार किया, स्पेंड किया, हमें बहुत मज़ा आया, हमने आपके साथ बहुत एंजॉय किया, हमें आपसे बहुत सारी चीज़ों को सीखने को भी मिला, आपकी फ्रेंडशिप को एंजॉय किया, आपके फ्यूचर के लिए आपको ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आप इन्हें ये चीज़ें कह सकते हैं। सो आपको एट द एंड ऑफ द स्पीच उनको बेस्ट विशेस देनी है, उनको ऑल द बेस्ट भी कहना है और उनको थैंक यू भी कहना है कि उन्होंने ये सारे काम किए। सो दोस्तों, ये थे चार स्टेप कि ये चार स्टेप के अंदर आप अपनी फेयरवेल स्पीच को डिलीवर कर सकते हैं। इन चारों स्टेप को एक बार मैं समराइज करना चाहूंगा दोस्तों। ये चारों स्टेप में सबसे पहला स्टेप था कि स्टार्ट विद अ पोयम और अ सॉन्ग। आप गाना या फिर पोयम, इन दोनों में से एक के साथ अपनी स्पीच की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा स्टेप था कि रिफ्रेश द मेमोरीज। आपने उनके साथ जो जो भी मेमोरीज स्पेंड की है उन मेमोरीज का एक बार फिर से जिक्र कीजिए। तीसरा स्टेप था टेल अबाउट द रोल ऑफ द पर्सन। उस पर्सन का क्या रोल था इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस समाज के लिए, कॉलेज के लिए या फिर स्कूल के लिए, और उसके कारण स्कूल के बच्चों को, टीचर्स को क्या क्या बेनिफिट्स हुए, ये इसमें मेंशन कीजिए। एंड फोर्थ स्टेप इज लास्ट बट नॉट द लिस्ट, गिव बेस्ट विशेस। इसका बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों, क्योंकि स्पीच की एंडिंग भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए जैसे कि स्पीच की शुरुआत अच्छी हुई थी। दोस्तों, आई एम वेरी श्योर कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख लीजिए, मैं आपको डेफिनेटली इसका रिप्लाई करूंगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी और आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। दोस्तों, शेयरिंग इज केयरिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि स्कूल के टीचर्स, स्टूडेंट्स, कॉलेज के प्रोफेसर्स, वहाँ के स्टूडेंट्स और समाज के जो मेम्बर्स हैं या फिर कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, हर एक व्यक्ति को ये वीडियो यूजफुल हो सकती है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड दोस्तों, मैं चलता हूँ, लेकिन दोस्तों आपको मेरे लिए कोई फेयरवेल स्पीच देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दुआओं में याद रखना। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई पब्लिक स्पीकिंग की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।